Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, continuing our discussion on important examples and problems on uniform acceleration that we are dealing with, we will continue that series today. We will solve some more questions, right? And then we will move to another variety of uniform acceleration, which is motion under gravity. ठीक है, वो भी uniform acceleration का case होता है, तो उसके बारे में फिर बात करेंगे. ठीक है, so let's move ahead. कल वाला जो question था, आप सबको clarity आई है उसमें? क्या आप घर में जाके वो प्रॉब्लम को एक बार फिर से बनाए हैं? एवरीवन, जो प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस हो रहा है, क्या वो घर जाके उसे फिर से एक बार बना रहे हो? यू हैव टू कम आउट ऑफ द स्कूल मोड. हाँ, देर आर नो मॉनिटर्स, देर आर नो क्लास रेप्स हु विल गो एंड चेक आउट वेदर यू हैव डन योर जॉब और नॉट. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर गोल्स देन यू वुड डू इट, इफ नॉट यू विल नॉट डू इट. Guys, please, चलिए, we'll start now. मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको. A body moves with uniform acceleration. A body moves with uniform acceleration of 3 m/s². ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड इज 100 m एंड its velocity at t equal to 6 second is 15 m/s. Find its x coordinate at t equal to 6 seconds. शानदार सवाल. You will get good opportunity to apply whatever you have learned. एक मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करो. फास्ट. सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सारे डेटा पुट करो, फिर डिसाइड करो कैसे आगे बढ़ना है. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट कोलेट ऑल द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड एंड देन थिंक व्हाट यू शुड डू. Okay, let me help you in collating all the data. A body moves with uniform acceleration of 3 m/s² along x-axis. So let us say that acceleration is equal to plus 3 m/s². Let us say that in the positive x-axis we are taking, this is my positive x-axis. Everything directed toward positive x-axis will be taken with a positive sign. So acceleration 3 m/s² is plus 3. Its x-coordinate at t equal to 4 seconds is 100. Can I write it as x4 is equal to 100 m plus 100 m? ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 6 सेकंड इज 15 m/s. इज इट v6 इज इक्वल टू 15 m/s एंड दैट इज प्लस. फाइंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू 6 सेकंड्स. वी आर आस्क्ड टू फाइंड x6. फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज नोमेनक्लेचर्स. एक्सेलरेशन प्लस 3 m/s² है. x4 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू 4 सेकंड इज प्लस 100 m. v6 मतलब वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 6 सेकंड इज प्लस 15 m/s. x6 निकालना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x6? x कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 6 सेकंड. दिस इज द आस्क, यस और नो? एवरीवन, इज दिस द आस्क? ठीक है, अब कैसे आगे बढ़ोगे बोलो, कैसे आगे बढ़ोगे बोलो. मुझे एक बात बोलो, v6 पता है आपको, a पता है आपको, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है. अब यहां पे सुनो, यहां पे हर बच्चा ये सोच रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो दिया हुआ नहीं है सर, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे? सुनो ध्यान से,
यहां पे वी नॉट जब बच्चा सोचेगा, वी मतलब वेलोसिटी एट जीरो सेकेंड, तो अगर कोई बच्चा केयरलेस होगा वो बोलेगा इसको जीरो मान लो, अगर इसको जीरो मान लिया पूरा गलत हो गया, कहीं पे भी नहीं बोला है कि बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आप वेलोसिटी को जीरो नहीं मान सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर आपने इसको जीरो मान लिया, केयरलेस अजम्पशन, यू गॉन, उसके बाद सब कुछ गलत आएगा आपका, ये नहीं मान सकते आप, बिकॉज कहीं पे भी नहीं दिया है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है ये? पहला गलती विच यू नॉट नीड टू अवॉइड। तो वी नॉट मुझे पता नहीं है, क्या मैं V6, V0, A और 6 दैट इज T इसके साथ एक इक्वेशन बना सकता हूं? कैन आई राइट? ध्यान से देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वेलोसिटी एट 6 सेकेंड्स कितना है बोलो, ये हमें पता है, प्लस 15 इज इक्वल टू V0 दैट इज वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, ये मुझे निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन विच इज प्लस 3 इंटू 6। तो वी नॉट की वैल्यू आएगी, देखो 15 माइनस 18 विच इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज व्हाट इज वी नॉट। अगर आपने वी नॉट जीरो मान लिया होता सब गलत हो जाता। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। आपको x4 पता है, x4 पता है 100 मीटर। आपको x0 पता है क्या? नहीं पता है। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 4 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 4 सेकंड क्या करेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लगाएं तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 4 सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी एट 0 इनटू t व्हिच इज 4 माइनस 0 प्लस हाफ इनटू a, a की वैल्यू कितनी है, प्लस 3 इनटू 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यस और नो? एम आई सक्सेसफुल इन रिप्रेजेंटिंग माई थॉट्स? इज दिस क्लियर एवरीवन? 0 टू 4 सेकंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला विच इज वेलोसिटी एट 0 सेकंड इंटू 4 माइनस 0 दैट इज टी। टी इज वी नो इट इज अ ड्यूरेशन नॉट एन इंस्टेंट, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड इंटरवल ऑफ टाइम। टी जो आता है वो इंटरवल ऑफ टाइम है, राइट? हाफ इंटू प्लस 3 इंटू 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आई नीड अ रिस्पॉन्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे ध्यान से, तो 0 टू 4 इज दिस, तो 0 टू 4 इसको क्या मैं लिख सकता हूं, x4 माइनस x0 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 0, वेलोसिटी एट 0 इज माइनस 3 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू प्लस 3 इंटू 16, तो ये आया 24 माइनस 12 दैट इज 12 प्लस 12 x4 माइनस x0। x0 मुझे पता नहीं है बट x4 मुझे पता है प्लस 100, तो x0 की वैल्यू आई प्लस 88 मीटर। इज दिस पॉइंट क्लियर? प्लस 88 मीटर आने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस 88 मीटर आना? मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे द बॉडी और द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस 88 मीटर नॉट फ्रॉम ओरिजिन। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। क्या बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? अब आपको क्या निकालना है, सुने ध्यान से, अब आपको क्या निकालना है? सर x नॉट क्या है? x नॉट है इनिशियल t इक्वल टू 0 पे। लिसन, व्हाट इज x नॉट, इसका मतलब क्या है? इट इज पोजीशन एट टी इक्वल टू 0। ये सब लिखना सीखो। x4 दिस इज पोजिशन एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स। एस ये देखो, ये बेसिक्स क्लियर नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको बार बार। देखो ये x है पोजिशन, क्या आपको सिखाया गया है पोजिशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, सिखाया गया है क्या आपको? तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड। बोल बोल के, लिख लिख के प्रैक्टिस करो इसका मतलब क्या है, तभी ये नोमेनक्लेचर समझ में आएगा और क्लैरिटी पूरी आएगी, क्योंकि आपसे पोजिशन पूछ लेगा, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। Are you understanding what is meaning of x0? x0 मतलब position at t equal to 0 second. कहां से वो start किया था 0 second पे?
88 meter, पूछा नहीं है आपसे लेकिन फिर भी. नाउ फाइंड इट्स x कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 6 सेकंड्स. x कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 6 सेकंड्स में कैसे निकालूं, क्या मैं ये करूं? आप बोले क्या मैं ये करूं? डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 6 सेकंड इज x6 माइनस x0. राइट डाउन दिस इक्वेशन, लिख लिख के प्रैक्टिस करो. वेलोसिटी एट 0 हम ऑलरेडी निकाल चुके, इट इज -3 इनटू 6 प्लस हाफ इनटू प्लस 3 इनटू 36. 36 मतलब समझते हो राइट? 18. तो इट इज 54 माइनस 18, दैट इज 36, व्हिच इज x6 माइनस x0. x0 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे प्लस 88. तो x6 की वैल्यू आएगी 88 प्लस 36, 124 मीटर प्लस. दिस इज द पोजीशन एट x इक्वल टू 6 सेकंड्स. वेरी गुड, क्या मेरी बात समझ में आई है? इट्स अ नाइस प्रॉब्लम बिकॉज इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई व्हाटएवर यू हैव लर्नड टिल नाउ. ठीक है. अच्छा अब देखो यहां पे इसको और कोई तरीका नहीं है क्या करने का. देखो हमें x4 पता है, हमें x6 निकालना है. तो अगर हम ऐसा करते, सुनना, अगर हम ऐसा करते, मैं दूसरे पेज में जा रहा हूं. इज दिस रिटन बाय एवरीवन? सबने इसे उतार लिया? सबके कॉपी में ये पूरा डिटेल्स है? मैं बढ़ जाऊं आगे. थैंक यू. अब सुने ध्यान से, इसको सॉल्व करने का मैं एक बार फिर से सारा डेटा लिखता हूं. ए की वैल्यू है +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, x4 की वैल्यू है +100, v6 की वैल्यू है +15, आपको x6 पूछा है. ठीक है. अच्छा अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? I'm asking you, food for thought, think about it. Displacement in 4 to 6 seconds is 4 to 4 से 6 सेकंड में जो 4 सेकंड पे वेलोसिटी है, क्या वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी? Into time interval, which is 6 minus 4, plus half into acceleration, which is plus 3, acceleration to uniform hai, into 6 minus 4 ka whole square. To ab hamara kya required hai, kya ask hai? V4 nikalna. Ab dekho. Yes. We need to find V4 first. Yes, तो V4 निकालो, बिल्कुल ओमकार, बराबर है. V4 तो निकालना पड़ेगा. V4 निकालने के लिए क्या करूं? ध्यान से देख, क्या मैं लिखूं V6 is equal to V4 plus A into 6 minus 4. V6 की वैल्यू कितनी है? V4 निकालना है. Acceleration कितना है? 3 into 6 minus 4 is 2. तो क्या V4 की वैल्यू 15 minus 6, 9 meter per second plus. क्या मैं सही हूं? करेक्ट. क्या क्लैरिटी है ये? अब ये V4 की वैल्यू यहां से उठा, यहां डाल दे. सो व्हाट यू विल गेट? डिस्प्लेसमेंट इन 4 टू सेकंड 6, दिस इज x6 माइनस x4 व्हिच इज V4. V4 इज 9, 9 इनटू 6 माइनस 4 इज 2, 18 प्लस हाफ इनटू 3 इनटू 4, दैट इज 6.
क्या 24 है, सही लिखा ना मैंने, सब सही कर रहे हूँ, सब सही कर रहा हूँ मैं। x6 is equal to x4 plus 24. x4 की वैल्यू कितनी है 100, 124 मीटर आ रहा है। भाई साहब बताइए ये वही आ रहा है क्या? क्या आपका दिमाग खुला, क्या दिमाग चल रहा है? एवरीवन दिमाग चल रहा है? बोलना पड़ेगा दोस्त, ऐसा कैसे मतलब, बोलो। ऐसे जिसने किया है वो गलत नहीं है, जिसने ऐसे किया है वो भी गलत नहीं है, अपने थॉट को एलिवेट करो। क्या क्लैरिटी है ये? आर यू ऑल विथ मी? करो इसे फास्ट। एनी क्वेश्चन आस्क मी नाउ। Okay, you may find some of the part method 2 might be easier than method 1. Most of you feel like that method 2 is easier. That is correct. But ठीक है, वो you know आप basic से चलो या ऐसे चलो, basic stage वाला पहला चीज जो basic से चलते हो, अभी थोड़ा सा advanced सोचते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। I hope all of you noted down the question, right? A body starts from rest and moves with uniform acceleration. ठीक है, find the ratio of distance traveled in 0 to t is to distance traveled in t to 2t is to distance traveled in 2t to 3t. ये रेशियो निकालना है, ठीक है, एक मिनट का समय दे रहा हूं। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट फास्ट। Okay, body starts from rest, correct, very good Akash, very good, body starts from rest, good, we got one answer, one guy has given the right answer, very good. A body starts from rest and moves with uniform acceleration, find the ratio of distance traveled in 0 to t, distance traveled in 2 to t, distance traveled in 2 to 3 t and so on and so forth. Dekho, starts from rest matlab v0 is equal to 0, ab bol diya starts from rest and moves with uniform acceleration. तो acceleration की value हम ले लेते हैं a, ठीक है? तो what is the distance traveled in 0 to t seconds? तो let us say distance traveled in 0 to t seconds is v0 into t. This is equal to v0 is 0, 0 into t is 0. It is half into a into t square. ठीक है? Next है distance traveled in t to 2 t seconds. ठीक है? Distance traveled इन टी टू टू टी सेकेंड्स, इसको मैं लिख रहा हूं ये मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया है, क्या आपको ये समझ आया? Tell me, did you get it? Displacement in t to 2t
is displacement from 0 to 2t minus displacement from 0 to t. क्या ये जो मैंने लिखा है, are you all feeling comfortable in understanding what I am writing and aligning your thoughts in the same direction? Are you all comfortable? T से 2t, वो जितना दूरी चला होगा वो है 0 से लेके 2t में जितना दूरी चला, उसमें से माइनस कर दो 0 से लेके t तक जितना दूरी चला, तो क्या t से लेके 2t तक जितना दूरी चला वो मिल जाएगा? बोलना पड़ेगा अदरवाइज मैं रुक जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर है, पेस डिपेंड करता है क्लास के ऊपर, तुम कुछ मत बोलो मैं रुक जाऊंगा। यस और नो, ये चमका क्या सबको? अच्छा ये मैंने पूरा लिखा वो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, बिकॉज यूटी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, वी जीरो इंटू टी, सब में देखो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सब में जीरो है दोनों में, तो इनिशियल जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो वो वाला पार्ट जीरो है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे ठक ठक ठक, क्लैरिटी है ये। हाफ ए फोर, सॉरी ये स्क्वायर है, तो हाफ ए फोर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दिस इज। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन 2t टू 3t, इसको आप लिखो कैसे लिख सकते हो इसको, और यहां पे कैसे लिखोगे, यहां पे क्या वैल्यू आएगी आप बोलो, क्या इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 0 से लेके 3t माइनस डिस्प्लेसमेंट इन t से लेके 2t, सॉरी 0 से लेके 2t, विल इट गिव मी फ्रॉम 2t टू 3t, विल इट गिव मी फ्रॉम 2t टू 3t, तो ये कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 0 से लेके 3t, विल इट बी इक्वल टू हाफ इनटू a इनटू 3t का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए इंटू टू टी का होल स्क्वायर, तो विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू ए 9t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, विल इट बी 5t स्क्वायर। अभी अगर आप ये रेशियोज निकालो, हाफ ए उड़ा दो, टी स्क्वायर उड़ा दो, क्या आपका रिजल्ट आएगा 1:3:5। तो अगर आप इसे जनरलाइज करो, एंड आई वांट यू टू रिमेम्बर दिस, और अगर आप कॉन्सेप्ट नोट्स देखोगे, ये कॉन्सेप्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर बोल के में डाला गया है, ऐप में वो अवेलेबल है कॉन्सेप्ट नोट्स में। अभी आप कॉन्सेप्ट नोट उठा के थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हो, उसमें ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशनड है एज पॉइंट्स टू रिमेम्बर में, ये याद रखना है। तो सुनो ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू t इज टू डिस्प्लेसमेंट इन t टू 2t इज टू डिस्प्लेसमेंट इन 2t टू 3t एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1:3:5:2 ठीक है क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी देखो यहाँ पे इस चीज को देखो, ये 1:3:5 चल रहा है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 7, 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, राइट? तो ये आ जाएगा आपका, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। बट इस रिजल्ट को याद रखने का एक तरीका क्या है सुनो, ये रिजल्ट हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है या रिजल्ट ये तभी यूज होगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि अबव रिजल्ट होल्ड्स ट्रू कब, एनी आइडिया, होल्ड्स ट्रू इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी की इनिशियली कुछ वेलोसिटी है तो ये रिजल्ट होल्ड ट्रू नहीं करेगा, करेक्ट? इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन तो हमने यूनिफॉर्म लिया ही है, तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये पॉइंट भी लिखना है, एंड बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अच्छा अब इस चीज को थोड़ा सा फील करो, अगर मैं यहां पे, सुनना थोड़ा सा आपको मैथ सिखाता हूं, some basic maths, you all are well aware of ratio proportion,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूं कॉम्पोनेंडो, याद है पढ़ा है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो, एक सेकेंड मैं ऐसा ना करके सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑल्टरनेंडो कर रहा हूं, ऑल्टरनेट कर रहा हूं, प्लस वन कर रहा हूं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, देखो आपने ये पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 9th में शायद, राइट 10th में नहीं था रेशियो, 9th में था शायद, राइट। ये ऑल्टरनेंडो बोलते हैं, ऑल्टरनेट करके रेसिप्रोकल लेके अब दोनों तरफ प्लस वन करो, ऑल्टरनेंडो एंड देन कॉम्पोनेंडो, याद है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किया था आपने, गौचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जीरो टू टी इज टू जीरो टू टू टी इज वन इज टू फोर, समझ में आ रहा है, जीरो टू टू टी, जीरो टू टी एंड जीरो टू टू टी, देखो जीरो टू टी और जीरो टी टू टू टी, ये आ गया जीरो टू टू टी, तो जीरो टू टू टी इज टू जीरो टू टी का रेशियो है 4:1, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जीरो टू, फिर से देखो जीरो टू टी प्लस टी टू टू टी, ये वाला पार्ट जो है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट फ्रॉम जीरो टू टू टी अपॉन जीरो टू टी, तो जीरो टू टू टी अपॉन जीरो टू टी इज 4:1, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इस टाइप के कॉम्पाउंड डिविडेंडो, ये बेसिक मैथ्स करना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट टी सेकंड्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट टू टी सेकंड्स, समझ सुनना पड़ेगा, जीरो से टी, टी से टू टी बोल रहा है, या फिर जीरो से टी एंड जीरो से टू टी बोल रहा है, तो जीरो से टी एंड जीरो से टू टी बोल रहा है, तो रेशियो 4:1 आया है, जीरो टू टू टी इज टू जीरो टू टी, ये 4:1 आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरीके से आपको समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है, सपोज देखो ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी, सपोज मैं आपको बोलूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टू टू टी इज टू टी टू थ्री टी, तो देखो टी से टू टी इज टू टू टी से थ्री टी, इसका रेशियो है 3:5, आपको यहां पे आना पड़ेगा, आर यू गेटिंग अ फील, भाई साहब गायब हो गए तुम एकदम एकदम कंप्लीट सन्नाटे में आ गए, ये वाला रेशियो को उठाओ, ये वाला रेशियो को उठाओगे तो क्या आ जाएगा, एवरीवन प्लीज प्लीज स्टे फोकस्ड, आई एम नॉट स्पीकिंग एनी लैटिन ग्रीक, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड रेशियो टू अप्रिशिएट दिस एंड यू विल बी गुड टू गो। ये 3:5 है क्या, मैंने अभी तुमसे क्या मांगा है, मैंने मांगा है टी से टू टी इज टू टी से थ्री टी मांगा है मैंने, नॉट टू टी से थ्री टी, तो बच्चा इसको रट लेता है और फिर बिना देखे उसको आंसर, उसको 3:5 याद रहता है, 3:5 बकता है वो गलत है भाई, आपको टी से टू टी और टू टी से थ्री टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ऑल्टरनेंडो करना पड़ेगा, लॉजिक याद रखना, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो मतलब इसको हम लोग लिखेंगे टू टी से थ्री टी अपॉन टी से टू टी, क्या ये 5:3 आया, अब कॉम्पोनेंडो करेंगे दोनों साइड वन, तो इट विल बी टू टू टी टू थ्री टी प्लस टी टू टू टी अपॉन टी टू टू टी इज इक्वल टू 8/3, अब टी से टू टी इज टू टी से थ्री टी, तो वो रेशियो हो जाएगा, ये जो रेशियो है अब 3:8 आ गया आपका आंसर, क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या ये याद रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एवर इज गेटिंग आस्क्ड विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस, क्या बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, यस यस आई विल राइट ऑन नेक्स्ट पेज ओनली, नाउ पेज इज ओवर, इज दिस, दिस इज अ बिजी स्लाइड बट यू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग, आपको पता है, बता दिया मैंने, क्लैरिटी है क्या ये, पक्का 100%,
कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बढ़ जाऊं आगे। रिटर्न, अब तुम्हें देखना फिजिक्स में मजा आएगा। अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स आता है और तुम चीजें समझ रहे हो, तुमको मजा आएगा। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, मैं उस सवाल को लूंगा। सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता देन लास्ट क्वेश्चन में रेशियो 1:2:3 होता क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो सेम ही है ना। हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोले या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बोले, कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जो चेंज नहीं होती है समय के साथ, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम है। तो बेसिकली किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म दोनों एक साथ होता है ना। तो तुम कांस्टेंट में कंफ्यूज हो रहे हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या तुम बोलना चाहते हो एक्सेलरेशन जीरो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, डू यू थिंक दे आर द सेम थिंग? इट्स अ सटल पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, दे आर द सेम थिंग ना। सोचो एक गाड़ी है, सुन सुन सुन, कंफ्यूजन हो रहा है, सुनो सुनो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस, लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन टू यू ऑल। अगर मैं बोलूं एक स्कूटी है, स्कूटी की एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्कूटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड को इसकी एक्सेलरेशन है, क्रांति चौक में भी वही एक्सेलरेशन है, इसका मतलब अलग अलग जगह पे सेम एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्कूटी की एक्सेलरेशन अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 सेकेंड बाद, 50 मिनट बाद, 1 घंटे बाद वही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो क्या एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है? इसका मतलब यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट करती हैं। और 1D मोशन में यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट दोनों को हम लोग इक्विवेलेंटली या सेम मान सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दे तो वो यूनिफॉर्म भी मीन करना चाहता है, क्योंकि अगर बॉडी चल रही है और उसकी एक्सेलरेशन समय के साथ नहीं बदल रही है, इसका मतलब बॉडी अलग अलग जगह पे जा रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन सेम है। तो अलग अलग जगह पे एक्सेलरेशन सेम है मतलब यूनिफॉर्म, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन सेम है मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म भी होगा, इसीलिए मैंने लिखवाया था, याद करो, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। तुम्हें रेस्पॉन्ड करना है यस बोल के। सब लोग सोच रहे हैं अब क्या बोलेंगे पता नहीं, रेस्पॉन्ड करो, समझ आया क्या? गॉट इट? क्लियर है ना? अरे समझ तो आ गया ना, सबका भेजा चल रहा है, सब लोग एकदम सुन रहे हो ध्यान से, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे एक सवाल आया, अगर बॉडी रेस्ट पे स्टार्ट नहीं होगा तो सर ये रिलेशनशिप नहीं होगा, तब फिर कुछ भी आर्बिट्ररी रिलेशनशिप आएगा, वो कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ठीक है? अगर बॉडी स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं होगा बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, वो हम जनरली याद रखने के लिए नहीं बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना? वो कुछ भी जाएगा वो वैल्यू, वो आप याद रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी पॉइंट कॉन्सेप्ट नोट्स में कवर्ड है, ध्यान से पढ़ना। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट एक्स डिस्टेंस टू सेकेंड एक्स डिस्टेंस टू थर्ड एक्स डिस्टेंस एंड सो ऑन। मतलब आपको बेसिकली टाइम टू कवर फर्स्ट एक्स डिस्टेंस ये चाहिए, इज टू टाइम टेकन टू कवर सेकेंड एक्स डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर थर्ड एक्स डिस्टेंस, ये आपको चाहिए, ठीक है? ये रेशियो चाहिए, ठीक है? बोलो अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट,
तो यहाँ पे कांस्टेंट बोला है तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म दोनों सेम ही है, तो ऐसा उलझ मत जाना, ठीक है ना? आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्विकली फास्ट ओके, आइए देखें। ये मान लो टी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो। ये डिस्टेंस डी है या एक्स है, हमने कितना लिया है, हमने एक्स लिया है, फर्स्ट एक्स डिस्टेंस, ये एक्स है। फिर फर्दर हमने एक और एक्स लिया, फिर फर्दर हमने एक और एक्स लिया, इसको ट्रैवल करने के लिए लगा मान लो टाइम टी वन, फर्स्ट एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम टी वन लगा, सेकेंड एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टी टू लगा। इसका मतलब यहां से अगर मैं टाइम स्टार्ट करूं तो यहां पर पहुंचने के लिए, टू एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टोटल टाइम लगा टी वन प्लस टी टू। अगर मैं यहां से मेजर करता हूं तो, यहां से मेजर करता हूं तो टी टू लगेगा, समझो? अगर मैं टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन वी हैव स्टार्टेड कवरिंग द फर्स्ट एक्स डिस्टेंस वहां से मेजर करूं तो ये टी वन लगा, और फिर टू एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टी वन प्लस टी टू लगेगा, दैट इज व्हाट आई मीन। थ्री एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगेगा ये टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री लगेगा, और सिर्फ यहां से लेके यहां तक जाने के लिए थर्ड एक्स डिस्टेंस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री माइनस टी वन प्लस टी टू दैट इज टी थ्री टाइम लगेगा, ठीक है? यही टाइम का रेशियो मुझे चाहिए, ठीक है? यही टाइम का रेशियो मुझे चाहिए टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री, समझ में आई बात? अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करें? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल दिया, अब तुम्हें समझ में आएगा, सुनो ध्यान से। क्या मैं बोलू दिस एक्स इज इक्वल टू हाफ इन टू ए बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब v zero is equal to zero है, तो x is equal to half into a into t one square। क्या बात समझ में आई? अब सुनना, क्या मैं, ये मेरा पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन, अगर मैं t one से t one plus t two जाऊं तो मुझे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है और वो मुझे पता नहीं है, इधर वो निकाल लें फिर उसके आगे बढ़े। एक सजेस्टेबल वे क्या है कि आप टोटल ड्यूरेशन टी वन प्लस टी टू के बारे में सोचो और इस ड्यूरेशन में आप कितना चले, टू एक्स, इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो। इज इट इक्वल टू हाफ इंटू टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर। उसके बाद आप ये वाला इंटरवल देखें तो अब आपकी टोटल डिस्टेंस है थ्री एक्स, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो you are taking t1 plus t2 plus t3 time to travel 3x. क्या आपको ये समझ में आया? अब आपको ये इक्वेशंस को मैथमेटिकली मैनिपुलेट करना है, करते हैं, कोई खास बात नहीं है। चलिए, इससे पहला इक्वेशन से मुझे मिला, पहला इक्वेशन कोई खास बात नहीं है, वी गॉट t1 as फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां से जो मुझे मिला t1 is equal to 2x by a का अंडर रूट। t2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं सुनो, फील करना। इस इक्वेशन को मैं अभी यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं t1 plus t2 में ला रहा हूं which is 4x by a का अंडर रूट, और t2 निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ 4x by a माइनस टी वन विच इज अंडर रूट ऑफ टू एक्स बाई, तो टी टू की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ टू एक्स बाई ए, मैं कॉमन निकाल लूंगा, इट इज रूट टू माइनस रूट वन,
ऐसे लिख सकता हूँ इसे। उसके बाद इस थर्ड वाले इक्वेशन को यहां सॉल्व कर रहा हूं, क्या मैं टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री क्या इसे बोल सकता हूं सिक्स एक्स बाई ए का अंडर रूट, एंड देन ये टी थ्री निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं टी थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिक्स एक्स बाई ए माइनस टी वन प्लस टी टू, एंड टी वन प्लस टी टू इज अंडर रूट ऑफ फोर एक्स बाई ए। आपको समझ नहीं आया? आया क्या? आया क्या? क्या यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट ऑफ टू एक्स बाई ए कॉमन ले लू क्या ये आ रहा है रूट थ्री माइनस रूट। अब आप देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं बोलता हूं वन ए, इसको मैं बोलता हूं वन बी, इसको मैं बोलता हूं वन सी। तो वन ए वन बी वन सी अगर मैं कंपेयर करूं तो टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री एंड लाइक दिस, ये रेशियो हो जाएगा, ध्यान से देखो, इट इज रूट वन माइनस रूट जीरो इज टू रूट टू माइनस रूट वन इज टू रूट थ्री माइनस रूट टू इज टू एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। सो अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट विच यू ऑल शुड रिमेंबर, टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री इज रूट वन माइनस रूट जीरो इज टू रूट टू माइनस रूट वन इज टू रूट थ्री माइनस रूट टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? बट ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा तब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, जीरो वेलोसिटी से, एंड वी आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन दिस इज अ केवियट विच यू शुड ऑल रिमेम्बर कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, एल्स ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझ में आया? उतार लो इसे। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई? थोड़ा सा मुझे लग रहा हो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, शायद डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक मैथ्स है, घबराओ मत, मैनिपुलेशन ही कर रहा हूँ, मैथ्स ही थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। हाँ, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस शुड बी सेम। हाँ हाँ, सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं तो टी वन इज टू टी टू थ्री, हाँ वो तो कंडीशन है ही ना, वो तो गिवन ही है ना कंडीशन कि सेम डिस्टेंसेज है, तो सेम डिस्टेंसेज को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम का रेशियो है वो ये रहेगा अगर हम जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करें एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की। लिखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, लिखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। अब ये nth सेकेंड का क्या फंडा है? अच्छा मुझे एक बात बोलो, अभी आप कौन से क्लास में हो? अभी आप कौन से क्लास में हो? यू विल से वी आर इन 11th। जब आप 11th स्टैंडर्ड हो मतलब क्या है? मतलब आप 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के बीच में कहीं पे हो। 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, सो 11th स्टैंडर्ड मतलब आप 10th और 11th के बीच में कहीं पे हो। 10th कंप्लीट हो चुका है और 10th और 11th के
Okay, so coming back, so what I was saying is that what is the meaning of nth second? Suppose I say 7 second. 7 second का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि you have completed 6 seconds and now you have crossed 6 seconds and you are between 6 seconds completion and completion of 7 second. That is what the meaning of 7 second. So when I say 7 second, it means what? It means t equal to 6 to t equal to 7 seconds. You are somewhere here. This is what I mean when I am talking about 7 second. ठीक है? So 7 second when I'm so note it down. 7 second is what? It is between 6 seconds. 6 second is completely over. 6 second or 7 second के बीच में इसको हम लोग बोलेंगे 7 second. Similarly, suppose if I say 20th second. 20th second मतलब क्या होगा? T equal to 19 seconds to T equal to 20 seconds. This is what is the meaning of 20th second. So now what I want is that suppose we have a body which has started with some uniform velocity u, initial velocity u hai, and it is moving with uniform acceleration a. So if I'm interested in finding out what is the displacement in nth second, again listen to me. If I'm interested in finding out what is the displacement in nth second, how should I find it out? So listen to me. Suppose I write that, suppose a body moves with uniform acceleration A and starts with initial velocity Vi, ठीक है, then what is its displacement in nth second? ठीक, सुने ध्यान से. So I will write it as displacement in nth second is displacement in जो हमने अभी पढ़ा है in 0 to n seconds माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू n माइनस 1 सेकेंड्स. क्या ये बात समझ में आ रही है? 0 टू n सेकेंड्स की जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से 0 से n माइनस 1 सेकेंड की जो डिस्प्लेसमेंट है अगर मैं ये हटा दूं तो डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड में क्या हो रहा है ये मुझे पता चल जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन हियर? क्या ये समझ में आया है? और ये है वेक्टर इक्वेशन. मैं अपने स्टूडेंट्स को ये समझने के लिए बोलता हूं कि प्लीज understand this rather than remembering the formula, which is of help sometimes, but if the examiner wants to fox you, then he or she can make up some changes in the requirement. But if you have good understanding about this equation, this is the meaning of displacement in the nth second. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं कि जब हम nth second का interval displacement निकालना चाहते हैं तो हम basically जो डिफरेंस इन सेकंड्स इंटरवल लेते हैं 0 टू n एंड 0 टू n माइनस 1 ये इसके बीच का जो इंटरवल का डिफरेंस है वो 1 सेकंड का होता है. ठीक है ना, सो दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट इन द 7 सेकंड 8 सेकंड एंड व्हाटएवर. अब इस फार्मूला को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं टू गेट द डिजायर्ड फार्मूला. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू n सेकंड? विल इट बी इक्वल टू v इनिशियल इनटू n प्लस हाफ इनटू a इनटू n स्क्वायर माइनस v initial into n minus 1 plus half into a into n minus 1 का whole square. क्या मैंने सही लिखा है? मैंने displacement का equation लिखा है in 0 to n seconds and 0 to n minus 1 seconds. Because ये एक ही straight line में जा रहा है और कोई U-turn नहीं है because axis and velocity की direction same मानी है मैंने, तो इसीलिए मैंने ऊपर का vector sign हटा दिया. फिर से सुनो, because मैंने ये important है. Because मैंने velocity और acceleration को same direction में माना है, तो U-turn होने का कोई सवाल नहीं है, तो मैंने ऊपर का arrow हटा दिया है, because ये दोनों मतलब ये पूरा x-axis के along ही हो रहा है without any U-turn, इसीलिए मैंने ऊपर का arrow हटा दिया है. But जो सही तरीका है इसे लिखने का वो मैंने box के अंदर लिखा है, लेकिन जब मैंने इसके formula लिखे तो मैंने ऊपर का arrow हटा दिया है, vectors हटा दिए हैं, क्योंकि ये सब along positive x-axis ही displacement हो रहा है. बात समझ में आई? अब जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, देखो v इनिशियल इनटू n माइनस v इनिशियल इनटू n माइनस 1, इज इट v इनिशियल?
डिफरेंस करूंगा प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से करना चाहो तो कर लो, या फिर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो लिख लो, जैसा आपका मर्जी। तो जब आप वो करोगे तो यू विल गेट योर फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट एन एस थीटा फॉर्मूला एज बी इनिशियल प्लस ये मैं लिखता हूं ए बाई टू, ये क्या आएगा देखो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस जब करेंगे तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो जनरली ये रटाते हैं, तो आप इसे याद रखो, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस फॉर्मूले को बेसिक याद रखो, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपको बोलेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकंड्स तो आपको ये लिखना आना चाहिए, नॉट इन द nth सेकंड, लास्ट 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि displacement in 0 to n seconds minus displacement in 0 to n minus 2 seconds. Last 3 seconds का displacement पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि displacement in 0 to n seconds minus displacement in 0 to n minus 3 seconds. तो ये equation लिखना इस बड़ी बात, इससे बड़े बड़े problem solve होंगे। और direct formula based जो question होगा उसके लिए ये वाला formula, displacement in nth second is equal to initial velocity plus acceleration by 2 into 2n minus 1. यहाँ पे ये सब वेक्टर फॉर्म है, तो ये वेक्टर फॉर्म में सब वेक्टर फॉर्म में है, मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्लैरिटी है ये, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, क्या ये समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, बोलो क्लैरिटी है ये। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब भी मैंने ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बोला था, कहीं पे भी मैंने आपको ये नहीं बोला है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा इंटीजर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, 7 to 8 सेकंड, 8 to 9 सेकंड, ऐसा ही है, ऐसा मैंने बोला नहीं था, मैंने एग्जांपल तो दिया है। इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने आपको एक इंटरवल दिया, एनी 1 सेकंड इंटरवल के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल, सपोज आई गिव एन इंटरवल ऑफ टी इक्वल टू 2.75 सेकंड्स, टी इक्वल टू 3.75 सेकंड्स, क्या इस इंटरवल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई भी एक इंटरवल एक सेकंड का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के लिए आप ये लगा सकते हो। तो इसके लिए एप्लीकेबल है क्या ये फॉर्मूला, यस। कोई बोलेगा मैं टी इक्वल टू 0.66 सेकंड्स टू 1.66 सेकंड्स, इस इंटरवल के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो बिल्कुल, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ इंटीजर सेकंड्स जैसे 7 to 8, 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13, क्या इंटीजर इंटरवल्स के लिए एप्लीकेबल है टाइम इंटरवल्स के लिए 1 सेकंड का, नहीं, कोई भी इंटरवल ऑफ 1 सेकंड हो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एम आई मेकिंग सेंस, ओके, नो इश्यू, वी विल स्टॉप, ठीक है, क्या क्लियर हुआ, इज एवरीबॉडी क्लियर इन कंप्लीटली इन द थॉट प्रोसेस। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद मोशन अंडर ग्रेविटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज बी इन द क्लास, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।